हाय फ्रेंड्स, मैं हूं सुकांत मल्लिक। आज मैं बात करूंगा हैंड फीडिंग के बारे में। देखिए, फास्ट प्रिपेयर द हैंड फीडिंग फार्मूला विद बॉइल्ड वाटर। रेशियो शुड बी डिपेंड अपॉन बर्ड सिक्स एज। वी नॉर्मली फीड आफ्टर 20 to 22 hours टू सेकेंड डे टू थर्ड डे। पार्ट वन फार्मूला, पार्ट वन ORS एंड सिक्स पार्ट वाटर। फ्रॉम द डे फोर्थ टू सिक्स डे पार्ट वन फार्मूला एंड फिफ्थ पार्ट वाटर। एंड सेवेंथ डे टू नाइन्थ डे वन पार्ट फार्मूला एंड फोर पार्ट वाटर। फ्रॉम द टेंथ डे टू वीनिंग वन पार्ट फार्मूला प्लस टू पॉइंट फाइव पार्ट वाटर। मतलब फास्ट हैंड फीडिंग फार्मूला लेके उसके हिसाब से, एज के हिसाब से हम लोग फार्मूला प्रिपेयर कर लेते हैं। उसके बाद हैच होने के बाद ही हम लोग फार्मूला नहीं देते हैं, क्योंकि हैच होने के बाद वो एक दिन का खाना लेके ही हैच होता है। अगर एक दिन अगर नहीं देंगे हैंड फीडिंग तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर हैच होने के बाद अगर 2-3 घंटे के अंदर हैंड फीडिंग दे देंगे तो चिक्स जो है उसका बहुत सारा प्रॉब्लम आ जाएगा। इसीलिए मैं आफ्टर 20 to 22 hours फ्रॉम द हैचिंग उसके बाद ही उसको बच्चे को खाना देते हैं। प्रिपेयर्ड हैंड फीडिंग फार्मूला शुड बी 40 degree to 40.5 degree centigrade। जो प्रिपेयर हैंड फीडिंग फार्मूला है उसका टेम्परेचर 40 degree से 40.5 degree होना चाहिए। वो तब बच्चे का वो चिक्स का कुछ नहीं प्रॉब्लम होगा। अगर उससे ज़्यादा टेम्परेचर हैंड फीड फार्मूला में अगर टेम्परेचर ज़्यादा रहता है, अगर 40.5 से ज़्यादा रहेगा तो क्रॉप बर्निंग का चांसेस है। इसीलिए मैं सजेस्ट करूँगा कि 40 से लेके 40.5 डिग्री सेंटीग्रेड में आप लोग खाना दीजिए, हैंड फीडिंग कीजिए। उससे कम, 40 से अगर कम देंगे तो बच्चा ठीक से नहीं खाएगा, क्योंकि जब उसके पेरेंट्स खिलाता है बच्चे को तो 40.5 ऐसा ही रहता है। उससे नीचे अगर होगा तो उसका मन नहीं रहेगा खाने का। तो मैं सजेस्ट करूंगा कि 40 से लेके 40.5 डिग्री का के अंदर हैंड फीडिंग फार्मूला ही दीजिए। वी फीड प्रिपेयर्ड फार्मूला 10% ऑफ द बॉडी वेट ऑफ द चिक्स। इफ बर्ड चिक्स वेट इज 50 ग्राम देन वी फीड 5 ml ऑफ प्रिपेयर्ड हैंड फीडिंग फार्मूला। मीन्स हम लोग जो प्रिपेयर्ड फार्मूला है उसका वो जो चिक्स का वेट होता है उसका 10% उसको खिलाते हैं। एग्जाम्पल के तौर से सोचिए कि अगर चिक्स का वेट 50 ग्राम है तो हम लोग 5 ml हर बार में प्रिपेयर्ड हैंड फीडिंग फार्मूला उसको देते हैं। ओवर हैंड फीडिंग में कॉज ऑफ पेंडुलियम क्रॉप। अगर आप लोग ज़्यादा हैंड फीडिंग फार्मूला उसको खिलाएंगे, ज़्यादा मतलब बॉडी वेट का 10% से ज़्यादा खिलाएंगे, तो उसका जो क्रॉप है
वो पेंडुलियम जैसा हो जाएगा, मतलब वो झुल जाएगा नीचे की तरफ। अगर नीचे की तरफ झुल जाएगा तो उसके जो नीचे का खाना हो रहेगा वो डाइजेस्ट होने में बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। मतलब अगर सोचिए कि 4 आवर्स लगता है टाइम डाइजेस्ट होने में, तो उसका वो नीचे वाले खाना खाना को डाइजेस्ट होने में 8 घंटा लगेगा, 8 घंटा या 9 घंटा लगेगा। अगर ज़्यादा दिन ऐसा प्रॉब्लम रहा तो बर्ड मर भी सकता है। तो पेंडुलियम क्रॉप कैसे ठीक करना है, कौन सा मेडिसिन देना चाहिए, उसको उसके हिसाब से मैं दूसरे वीडियो में डिस्कस करूँगा। बस। Okay.